हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर एम्स 2011 का जो एग्ज़ाम था उसका कंप्लीट बायोलॉजी पार्ट सोल्व करेंगी, जो नीट पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। 24 एग्ज़ाम होगी नीट की उसके लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन इसमें दे रखा है, व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड विच आर द फेज एक्सिबिटेड बाई एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग ग्रोथ। जब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं तो कौन सी फेज होती है जो एक्सिबिट की जाती है ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के दौरान? लैग, लॉज, एक्सपोटेंशियल, एसिम्प्टोमेटिक और डी एसिलेशन। लैग, लॉग, एसिम्प्टोमेटिक, डी एसिलेशन और एक्सपोटेंशियल। लैग, लॉग, डी एसिलेशन, एक्सपोटेंशियल और एसिम्प्टोमेटिक। लैग एसिलेशन, लॉग, डी एसिलेशन और एसिम्प्टोमेटिक। तो देखो इसमें है ना, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। पहले लैग फेज है वो एक्सिबिट होगी, फिर एसिलेशन होगा, लॉग, डी एसिलेशन होगा, फिर एसिम्प्टोमेटिक होगा कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें कम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज ई को आर फर्स्ट स्टैंड्स फॉर। इसमें ई को आर फर्स्ट स्टैंड्स किसके लिए यूज में लिया जाता है? तो एसिरेसिया कोलाई R1, एसिरेसिया कोलाई R1-13, एसिरेसिया कोलाई RY-13, एसिरेसिया कोलाई RX-13। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसमें ये जो स्टैंड है ईको आर फर्स्ट, ये ईको आर Y13 के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1992 ए 4 ईयर्स ओल्ड गर्ल। 1990 के अंदर एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को यानी 4 साल की बच्ची को जो जीन थेरेपी दी गई थी वो किसके लिए दी गई थी? एडिनिन डिफिशियंसी, ग्रोथ डिफिशियंसी, एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, एडिनोसिन डिफिशियंसी। तो देखिए ये दी गई थी एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बैक्टीरिया फंजाई लोअर प्लांट्स पास देयर एडवर्स कंडीशन थ्रो। बैक्टीरिया फंजाई और लोअर प्लांट्स होते हैं वो अपनी एडवर्स कंडीशंस को किसके थ्रू पास करते हैं? डायपोज, सस्पेंडेड ग्रोथ, माइग्रेशन और फॉर्मेशन ऑफ थिक वाल्ड स्पोर्स। ये फॉर्मेशन ऑफ थिक वाल्ड जो ये स्पोर्स के बाहर एक बहुत बहुत मोटी ऐसे थिक वॉल बना लेते हैं जिससे ये एडवर्स कंडीशन में ये आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा बच्चों इसमें, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ फेजेज इंडिकेटेड इन द ग्रोथ कर्व। कौन सी सीक्वेंस है जो ग्रोथ कर्व के दौरान इसमें दिखाई गई है? तो ए लॉग, बी लॉग, सी इन्फ्लेक्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसमें दे रखा है लैग, लॉग और इन्फ्लेक्शन फेज। सेकेंड ऑप्शन इसमें दे रखा है लेग स्टेशनरी लॉग। 3 दे रखा है लॉग लेग स्टेशनरी। 4 दे रखा है लेग लॉग स्टेशनरी फेज। तो देखिए इसमें ना करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों जो ऑप्शन ए दे रखा है ना टाइम के पास में, वो तो होगा लेग के लिए, ये तो होगा लेग के लिए, और जो बी है ये होगा लॉग के लिए, लॉग फेज है ये, और ये सी दे रखा है, ये दे रखा है स्टेशनरी फेज, लेग फेज, लॉग फेज और ये स्टेशनरी फेज पे बढ़ जाएगा कर्व बाद में। तो इसमें ऑप्शन नंबर है ना 4 है, ये सी ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनार्क बटरफ्लाई एस्केप्स फ्रॉम प्रीडेटर्स वाई। मोनार्क जो बटरफ्लाई होती है वो प्रीडेटर्स से अपने आप को कैसे सिक्योर करती है? तो फॉल स्मेल, बिटर टेस्ट, कलर कॉम्बिनेशन और रफ स्किन। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बिटर टेस्ट की वजह से होता है ये। बिटर टेस्ट से जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो अपने आप को स्केप कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेपिटम। टेपिटम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट स्टोर फूड, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, इट इज मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, इट नरिश द मेगास्पोर। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन व्हीकल्स कैटालाइटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड। व्हीकल्स के अंदर कैटालाइटिक जो कन्वर्टर्स होते हैं वो किसके लिए यूज में होते हैं? तो इंक्रीज माइलेज और व्हीकल ऑफ व्हीकल टू कन्वर्ट CO2 इंटा कार्बोनेट, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लेड मिक्स्ड पेट्रोल, इट कन्वर्ट CO2 CO2। तो देखिए जो इसके अंदर कैटालाइटिक जो कन्वर्टर होते हैं ना वो
ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करने के लिए होते हैं इसके अंदर, व्हीकल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाई, सेल थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई थी? बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट दोनों थे और फिजिकल साइकोलॉजिस्ट थे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। स्लाइडन और स्वान नाम के साइंटिस्ट थे, तो एक एक इनमें बॉटनिस्ट है और एक इनमें साइंट वो जूलॉजिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द ABCDE। तो देखिए ए बी दे रखा है, तो ये इसमें डायग्राम दे रखा है, तो ये इसमें पूछा है कि आप इसके करेक्ट चूज करो इसमें, तो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, सी दे रखा है, डी और ई। तो देखिए जो ए है ना इसमें, ये तो है मार्जिनल एक्जाइल, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, ए वाला मार्जिनल है, ये मार्जिनल है, और बी वाला है ये एक्जाइल है, ये एक्जाइल प्लेसेंटेशन है, ये एक्जाइल हो जाएगा, और नेक्स्ट इसमें दे रखे हैं सी, इसमें दे रखा है सी वाला, इसमें पेराइटल हो जाएगा, वाल के ऊपर लगे हुए हैं तो ये पेराइटल हो जाएगा, और ये फ्री सेंट्रल हो जाएगा, और ये हो जाएगा वेसल। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम दे रखा है, पूछा है ये किस चीज़ के लिए डायग्राम, ये क्या शो करता है? लेंटिकल फैसिलिटिंग द एयर एक्सचेंज, हाइड्रेथोड सोविंग गैसियस एक्सचेंज, फंगस रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर फॉर्मेशन, एल्गा रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो देखिए लेंटिकल्स होते हैं, गैस एक्सचेंज होती है ना, एयर एक्सचेंज होते हैं ना, ये पेरिडर्म वगैरह पाई जाती है ना प्लांट्स की, जो छाल पाई जाती है वो वहाँ से फट जाती है, तो ये गैस एक्सचेंज के लिए बने होते हैं, एयर एक्सचेंज के लिए लेंटिकल्स बोलते हैं इनको, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें इन गिवन डायग्राम ए एंड बी रिप्रेजेंट्स टू, इसमें डायग्राम दे रखा है और ए और बी को रिप्रेजेंट किया गया है इसमें, तो ये क्या है ए और बी इसमें? तो देखो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन है ना, इसमें यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन हो रहा है या डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे तो हो रहा है अमोनिफिकेशन, यहाँ पे डिकिंग बाय मॉलिक्यूल्स हैं उससे अमोनिया बन रही, तो ये तो हो जाएगा अमोनिफिकेशन, और ये हो रहा है डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये इसमें इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन्स आर यूज्ड, दीज कैरियर्स आर यूज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन आर यूज्ड, दीज कैरियर्स यूज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP टू। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो कैरियर प्रोटीन होती हैं वो ATP का यूज करती हैं एनर्जी सोर्स के रूप में, तो वो किसके लिए करती? ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सेल वॉल, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इक्वली ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स ऑन बोथ द साइड। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ना उसके अगेंस्ट करते हैं सेल, जहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा ना उसके अपोजिट में करेंगे ये, और ये इसलिए इनको ATP रिक्वायर्ड होती है ATP ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हैविंग 50 ग्राम लिविंग टिश्यू, देन व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वाटर इन द टिश्यू। एक पर्सन है जो 50 ग्राम लिविंग टिश्यू है, तो इसके अंदर वाटर का कितना पार्ट होगा इसके अंदर? तो 40 से 45 ग्राम, 30 से 40 ग्राम,
और 35 से 45 ग्राम और 70 से 90 ग्राम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली पीएस अकर इन ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट अकर सीन। फोटो सिस्टम फर्स्ट किस में पाया जाता है? स्ट्रोमा, ग्रेना, थाइलकोइड, स्ट्रोमा लैमिला और मैट्रिक्स। तो देखो, स्ट्रोमा जो लैमिला होता है ना, उसके अंदर सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट अकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस फैट ऑफ ग्लूकोज इन माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में ग्लूकोज का जो फैट होता है ना माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन होता है या हाइड्रोलाइसिस होता है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन होता है ये। ग्लाइकोलाइसिस का जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, वो माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्लिस्टोगेमी इज लीडिंग ओवर एंथेसिस बिकॉज पोलिनेटर्स आर रिक्वायर्ड, इट अश्योर्स हेटरोजाइगोसिटी, फेवर्स इंसेक्ट पोलिनेशन, इट अलोज जीनोगेमी। तो क्लिस्टोगेमी है ना, वो बाकी के जो टर्म्स होते हैं ना पोलिनेशन से, उनसे अलग होती है। क्यों होती है? तो इसके अंदर क्या होता है कि पोलिनेटर्स है ना, वो रिक्वायर नहीं होते। फ्लावर हो ना, वो खिलते नहीं हैं, बंद के बंद ही रहते हैं, और बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो ये अंदर ही इनका पोलिनेशन हो जाता है, कोई भी इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती है पोलिनेशन के लिए एजेंट की। तो इसलिए इसके अंदर पोलिनेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज करेक्ट अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है उनमें से करेक्ट चूज करना। फोटो रेस्पिरेशन इज यूजफुल प्रोसेस, C4 प्लांट्स आर मोर इफिशियंट देन C3 प्लांट्स, C3 प्लांट्स आर मोर इफिशियंट देन C4 प्लांट्स, फोटो रेस्पिरेशन इज अब्सेंट इन C3 प्लांट बट प्रजेंट इन C4 प्लांट। तो देखो, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो C4 प्लांट होते हैं ना, वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं C3 प्लांट्स की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग फर्मेंटेशन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फर्मेंटेशन के लिए फॉल्स है? प्रोपियोनियो बैक्टीरियम इज यूज फॉर फर्मेंट द चीज, द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डफ इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, फर्मेंटेशन इन मसल प्रोड्यूस इथेनॉल, टोडी इज मेड अप बाई फर्मेंटिंग सेप फ्रॉम पाम्स। तो देखो, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये इथेनॉल नहीं, लैक्टिक एसिड बनाती है, लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर फर्मेंटेशन, मसल्स के अंदर फर्मेंटेशन में फर्मेंटेशन नहीं होता, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? एस्परजिलस नाइगर इज यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, एक्टिवेटेड स्लज इज डाइजेस्टेड बाई एरोबिक बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस मार्स गैस, फ्लेमिंग चैन एंड फ्लोरी वर अवार्डेड विद नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, BOD इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाई बैक्टीरिया ऑन डिकम्पोजिशन। तो देखिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, वो होगा फ्लेमिंग चैन और फ्लोरी होते हैं नाम के साइंटिस्ट थे ना, वो पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज से अवार्ड किए गए थे, नोबेल प्राइज बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड फॉर जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। जो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन होता है ना, उसके लिए बेस्ट मेथड पूछिए। इसमें हार्बेरियम, बोटनिकल गार्डन, सीड बैंक और जूलॉजिकल पार्क। सीड बैंक्स होते हैं, ये बेस्ट मेथड है जर्म प्लाज्म के एक्स सिट्यू कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डेपिसेट करेक्टली मैच्ड फिनोमन एंड देयर एक्सप्लेनेशन। इनमें से कौन सा फिनोमन है वो करेक्टली मैच है अपने एक्सप्लेनेशन के साथ में? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू कट द डबल स्टैंडर्ड DNA, सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी RNA, DNA एंड प्रोटीन, RNA साइलेंसिंग, यूज ऑफ डबल स्टैंडर्ड RNA टू स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड RNA, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RNA एंड प्रोटीन। तो देखिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। RNA जो साइलेंसिंग जो मेथड होती है ना, उसमें डबल स्ट्रैंड RNA है ना, वो सिंगल स्ट्रैंड RNA के एक्सप्रेशन को स्टॉप कर देता है,
ऑप्शन नंबर थ्री इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस इज नॉट हैविंग द वन ऑफ द करेक्टर आउट ऑफ द फोर गिवन बिलो। मियोसिस इसमें से चार करेक्टर दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है वो इसमें से मैच नहीं होता इसके लिए मियोसिस से। इट इन्वॉल्व्स टू स्टेजेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, वन बिफोर मियोसिस फर्स्ट एंड अनदर बिफोर मियोसिस सेकंड। इट इन्वॉल्व्स रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज सेकंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस अपीयर ड्यूरिंग प्रोफेज। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन की फेज दो नहीं होती, ओनली सिंगल फेज होती है और वो होती है मियोसिस फर्स्ट में, फिर मियोसिस सेकंड होती है उसके अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। हैंकिंग डिस्कवर्ड द स्मॉल वाई क्रोमोजोम, ड्रोसोफिला इज आल्सो सो एक्स एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन लाइक हुमेन, बर्ड्स हैविंग जेड डबल जेड जेड डब्ल्यू सेक्स डिटर्मिनेशन वेयर फीमेल आर डबल जेड एंड मेल्स आर जेड डब्ल्यू, ग्रास ऊपर सो एक्स एक्स डबल एक्स एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो इसमें करेक्ट मैच होता है, ड्रोसोफिला है ना वो शो करता है वुमेन्स के जैसा सेक्स डिटर्मिनेशन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मोसेज, मोसेज के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। दे हैव डोमिनेंट एंड इनडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, देयर एंथेरोजोइट्स रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, देयर आर्चिगोनिया प्रोड्यूस मेनी एग्स, देयर एंथेरोजोइट्स आर मल्टीफ्लैजेलेटेड। तो देखो इसमें मोसेज के लिए करेक्ट मोसेज क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है। इनको ये वाटर इनके लिए रिक्वायर होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, प्लांट किंगडम के एम्फीवियंस होते हैं, और वो क्यों होते हैं, देयर एंथेरोजोइट्स रिक्वायर्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। कैटेलाइटिक कन्वर्टर कैन नॉट सेपरेट पार्टिकुलेटेड मैटर ऑफ डायमीटर लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर, हिस्टोन्स आर एसिडिक इन नेचर दैट फॉर्म कोर फॉर डीएनए पैकेजिंग, लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट इन डफ यूज्ड इन इडली फॉर्मेशन, टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5 to 3 days हैज कंटिन्यूस डीएनए रेप्लिकेशन। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों वो फर्स्ट ही हो जाएगा, कैटेलाइक कन्वर्टर है वो सेपरेट नहीं कर पाते हैं पार्टिकुलेट मैटर होता है ना जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है ना, उनमें से कैटेलाइक जो कन्वर्टर होते हैं ना वो 2.5 माइक्रोमीटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट नहीं कर पाते हैं। ये इनमें से करेक्ट है, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा है वो करेक्ट है। कॉमन कोल्ड है वो ड्रेपलोट इन्फेक्शन होता है, टाइफाइड है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है, एड्स है वो सेकिंग हैंड्स, रिंगवर्म्स है वो यूजिंग इन्फेक्टेड टॉवल्स। तो इसके अंदर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर ए बी और डी है ना वो करेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर ऑप्शन नंबर फोर इसमें करेक्ट है, ए बी एंड डी। कॉमन कोल्ड है वो ड्रोपलेट इन्फेक्शन से होता है, टाइफाइड है वो कंटामिनेटेड फूड से होता है, और जो रिंग वर्म होता है वो इन्फेक्टेड टॉवल यूज करने से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इन में से करेक्ट चूज करना। लॉयन एंड लियोपर्ड शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कैमिफ्लेज इज शोवन बाय बिस्टन बिटुलेरिया, नेचुरल सिलेक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस आर क्लोजली रिलेटेड। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना, तो करेक्ट इसमें से क्या होगा, जो ये बिस्टन बिटुलेरिया होते हैं ना इसके द्वारा कैमिफ्लेज है ना वो दिखाया जाता है प्रीडेटर से सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर एग्जांपल ऑफ, टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं वो किसका एग्जांपल होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए ये होते हैं ऑप्शन नंबर, ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मेडुला ऑब्लांगेटा इज डिस्ट्रॉयड देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल बी अफेक्टेड। मेडुला जो ऑब्लांगेटा है ये जब डिस्ट्रॉय जाएगा तो इनमें से कौन सा फंक्शन है वो अफेक्ट होगा इसमें, तो नो थर्मोरेगुलेशन, नो विजन, नो मेमोरी, नो रेस्पॉन्स वेन प्रिकल्ड विद नीडल। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें थर्मोरेगुलेशन है ना,
वो नहीं हो पाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट क्या, मंकी, एपीज एंड ह्यूमेन एक्सिबिट एस्ट्रस साइकिल, यूरिन इज पेल येलो एंड स्लाइटली एल्केलाइन, लॉट्स ऑफ एंजाइम आर प्रजेंट इन बाइल जूस, हुमेन इज स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, हुमेन्स होते हैं ना वो स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो विद मोर देन 8 सेल्स आर इम्प्लांटेड इन यूट्रस, एम्ब्रियो विद मोर देन 60 सेल्स आर नॉट इम्प्लांटेड इन यूट्रस, एम्ब्रियो विद 8 16 सेल्स कैन बी इम्प्लांटेड इन यूट्रस, एम्ब्रियो विद सेल्स मोर देन 16 इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस। तो देखो इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है ना, इसमें 8 सेल्स से ज़्यादा का एम्ब्रियो होता है ना वो यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आर स्पेशलाइज्ड फॉर, लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स द एनवायरनमेंट। तो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो एनवायरनमेंट के ना लिए एबिलिटी शो करते हैं रेस्पॉन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच करेक्टली शोज द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फीचर, ऑर्गेनिज्म और उसके फीचर से इसमें करेक्ट मैच क्या होता है, फ्रॉग एक्सटर्नल ईयर अर्थवा मस्कुलर गिजार टिफ्लोसोल, हुमेन फैट ग्लोबुल टेन प्रेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, कॉकरोच नॉन मस्कुलर गिजार्ड। तो देखिए इसके अंदर बच्चों करेक्ट होगा ना वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, अर्थवर्म होता है ना उसके अंदर मस्कुलर गिजार्ड भी पाई जाती है और टिफ्लोसोल भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यंग पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर इन टंग, हिज टंग इज कम्प्लीटली रिमूव्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल डिस्क्राइब द पर्सन दैट ही विल नॉट बी एबल टू। तो देखिए एक आदमी है जो कैंसर से सर्वाइव कर रहा है और उसकी टंग में कैंसर है, तो टंग है वो रिमूव कर दी गई है, तो इसके अंदर कौन सा है वो सिचुएशन है वो नहीं हो पाएगी इसके अंदर। टेस्ट है वो स्वीट एंड साल्टी, नॉट एबल टू टेस्ट स्वीट बट आज एबल टू टेस्ट साल्टी, प्रिसीव द ऑड्यूर ऑफ रोज बट नॉट एबल टू टेस्ट स्वीट एंड साल्ट, टेस्ट स्वीट एंड साल्टी बट नॉट प्रिसीव टू द ऑड्यूर ऑफ रोज। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये गुलाब की जो स्मेल होती है ना फ्रेग्रेंस उसको तो महसूस कर पाएगा लेकिन टेस्ट और स्मेल को महसूस नहीं कर पाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट, इसमें से ट्रू स्टेटमेंट चूज करना, ब्लड ग्रुप ओ पर्सन डज नॉट हैव एंटीजन ए एंटीजन बी एंटीबॉडीज इन ब्लड प्लाज्मा, एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज इन ब्लड प्लाज्मा, ईओसिनोफिल रेजिस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आरबीसी कॉन्टेंट कार्बोनिक एनहाइड्रेज, टी वेव ऑफ नॉर्मल ईसीजी रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आरबीसी जो होती है ना उसके पास में कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीनल फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन डीसीटी एंड ए लेस अमाउंट इन रीअब्जॉर्ब्ड बाय पीसीटी, डिस्केंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले इज कम्प्लीटली इम्परपेबल टू एनएसीएल साल्ट, मेल्पीजियन कॉर्पस इज फाउंड इन मेडुला रीजन ऑफ किडनी, द कलर ऑफ यूरिन इज पैल येलो एंड। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट पूछा है तो जो हेनले का लूप होता है ना वो उसका जो डिसेंडिंग लिम्प होता है ना वो एनएसीएल जो साल्ट होता है उसके लिए कम्प्लीटली इम्परमिएबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय विच वॉल, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल पाया जाता है, तो देखो इसके अंदर ट्राइकप्सिड वाल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोटीन हैविंग देयर करेक्टरिस्टिक लाइट रिफ्रेक्टिव पावर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कलर प्रोटीन और प्रॉपर्टी दे रखी है, तो इसमें लाइट मायोसिन और एनिसोट्रोपिक होता है, डार्क एक्टिन और एनिसोट्रोपिक, डार्क मायोसिन और आइसोट्रोपिक, लाइट एक्टिन और मायसोट्रोपिक। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर 4,
लाइट बैंड होते हैं वो एक्टिन के लिए बने होते हैं और ये आइसोट्रोपिक होते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियल सेंस इन्फ्लेक्टेड इन द गिवन डायग्राम। इनके अंदर जो गिवन डायग्राम दे रखा है उनके अंदर रियल सेंस है वो कौन सा है। क्लोजर ऑफ ओसोफेगस फॉर द एंट्री ऑफ फूड इन स्टोमच, क्लोजर ऑफ ट्रेकिया बाई एपिग्लोटिस फॉर प्रिवेंटिंग फूड टू एंटर इन इट, और मोमेंट ऑफ बोलस इन ट्रेकिया, मोमेंट सोवन इन ए रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखिए इसमें करेक्ट रियल सेंस सेंस जो इसमें दे रखा ना वो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। इसके अंदर जो फूड का मूवमेंट दिखा रखा ना इसके अंदर ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इनके अंदर ऑप्शन हमें देने हैं, जब असर्शन और ट्रू और रीजन ट्रू हो और एक्सप्लेनेशन सही हो तब तो हमें ए चूज करना है, बी चूज करना है जब दोनों ट्रू हो, असर्शन और रीजन लेकिन अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं रिलेटेड नहीं होते, और सी हमें चूज करना है जब रीजन सही फॉल्स हो और असर्शन ट्रू हो, और जब दोनों फॉल्स होते हैं तब हमें डी चूज करना है। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन दे रखा है एंजाइम, असर्शन दे रखा है एंजाइम लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी इन ऑर्डर टू मेक ट्रांजिशन टू रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट मोर इजियर। जब एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है तो वो ट्रांजिशन रिएक्टेंट होता है ना प्रोड्यूस वो ज़्यादा जल्दी, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है ना तो ये इजीली बाइंड हो जाता है। एंजाइम आर हाईली सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, एंजाइम होते हैं वो ज़्यादा सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये दोनों असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो इजीली बाइंड होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये बाइंड इजीली नहीं हो पाता, और ये हाईली सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, तो दोनों के दोनों ट्रू हैं लेकिन ये इंटररिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें चूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा वाटर एंटरिंग इनटू द प्लांट सेल थ्रू डिफ्यूजन मेक द सेल टर्जिड, रीजन दे रखा है एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल थ्रू डिफ्यूजन डेवलप वाल प्रेशर। तो देखिए ये भी ट्रू है, डिफ्यूजन के थ्रू वाटर एंट्री होती है और प्रेशर है ना वाल प्रेशर है वो मैनेज होता है, तो ये दोनों ट्रू हैं बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, अलग अलग स्टेटमेंट है, ये नहीं बता रखा कि डिफ्यूजन कैसे होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन फ्लोएम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड सो बाई डायरेक्शनल, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन जाइलम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल देन अपवर्ड्स। तो देखिए इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हैं दोनों, ये भी ट्रू है, फ्लोएम की जो मूवमेंट होती है ना डायरेक्शन की वो दोनों तरफ होती है क्योंकि ये मिनरल्स एंजाइम्स और फूड को है वो कैरी करता है, तो ये ऊपर तक भी लेके जाता है प्लांट पार्ट्स में भी लेके जाता है, जैसे इसकी पत्तियों तक भी खाना पहुंचता है, जड़ों तक भी होता है, तो ये भी ट्रू है। और जाइलम है ये यूनिडायरेक्शन फ्लो होता है क्योंकि ये वाटर के लिए बना होता है जाइलम, जो मूवमेंट होता है वो, तो ये भी ट्रू है लेकिन ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट थे, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोन और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आर एक्यूमुलेटेड इन द ल्यूमेन ऑफ थायलोकॉइड, रीजन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ऑफ इनर थायलोकॉइड मेम्ब्रेन। तो देखिए प्रोटोन और हाइड्रोजन आयन है ना वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ये थायलोकॉइड की ल्यूमेन में होते हैं, क्योंकि वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है ना वो इनर थायलोकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन ट्रू हैं और ये असर्शन भी नहीं सॉरी रीजन भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, ये थायलोकॉइड ल्यूमेन में क्यों प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि इनकी स्प्लिटिंग होती है वो उनकी इनर थायलोकॉइड मेम्ब्रेन में होती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्लांट ग्रोथ इज इनडिफिनिट, प्लांट ग्रोथ है वो इनडिफिनिट होती है, प्लांट ग्रोथ इज स्पेसिफिक बिकॉज प्लांट रिटेन्स द कैपेसिटी ऑफ देयर कंटिन्यूस ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। तो अनंत होती है इनडिफिनिट यानी ये रुकती नहीं है एक टाइम की, जैसे हम वुमेंस की ग्रोथ है वो एक टाइम के बाद में रुक जाती है लेकिन प्लांट्स की ग्रोथ लाइफ टाइम होती रहती है, तो इनडिफिनिट है ये भी ट्रू है इसके अंदर, और ये क्यों ट्रू है ये इसलिए दे रखा है क्योंकि ये कैपेसिटी होती है ना इनके अंदर लाइफ टाइम करने की ग्रोथ करने की कैपेसिटी पाई जाती है इसलिए इनडिफिनिट होती है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, असर्शन दे रखा है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स इन वाटर इज मेजर्ड बाय द बीओडी ऑफ द वाटर,
बायोडिग्रेडेबल जो कंपाउंड होते हैं वो मेजर किए जाते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वजह से वाटर के अंदर। रीजन दे रखा है इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन रिलीज बाई बैक्टीरिया। तो ये इसमें असरसन है वो तो ट्रू दे रखा है इसके अंदर, और रीजन है वो फोस दे रखा है, ये इसमें रिलीज नहीं कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को, ये रोंग है असर सॉरी रीजन और असरसन है ये ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, असर्शन इन एंजियोस्पर्म ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर आर मोर इफिशियंट देन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट। एंजियोस्पर्म में फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो ज़्यादा इजीली हो पाता है जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट की बजाय। रीजन है इन एंजियोस्पर्म सीव एलिमेंट्स एंड वेसल्स आर लॉन्गिट्यूडनी अरेंज्ड विद देयर परफोरेटेड एंड वॉल। तो इसमें ये क्यों हो पाता है इजीली, क्योंकि सीव एलिमेंट्स और वेसल्स पाई जाती हैं जो लॉन्गिट्यूडनी अरेंज होती हैं और इनके अंदर पिट्स पाई जाती हैं एंड वाल के रूप में। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, दोनों के दोनों ट्रू हैं और ये एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, इन सम असर्शन दे रखा है, इन सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसी एंड पोएसी सीड आर फॉर्मड विदाउट फर्टिलाइजेशन। रीजन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नंबर टू है, ऐसा होता है एस्टेरेसी और पोएसी में फर्टिलाइजेशन के बिना सीड बनते हैं, और पार्थेनोकार्पी क्या होती है फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट बनते हैं। तो ये दोनों चीज़ें करेक्ट हैं, इसलिए इसमें स्टेटमेंट दोनों अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर टू इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गल ब्लूम्स आर फॉर्म्ड इन न्यूट्रिएंट लेस वाटर। एल्गल ब्लूम्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट लेस वाटर के अंदर बनते हैं, ये रोंग है इसमें, तो फर्स्ट रोंग हो गया इसमें। ड्यू टू ऑफ एल्गल ब्लूम वाटर इज नॉट यूजफुल फॉर मैन बट कॉजेज इनॉर्मस ग्रोथ ऑफ फिशेज, ये भी रॉन्ग है। तो दोनों रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गल ब्लूम बनते हैं जब न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, और जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट साइकिल ज़्यादा बनने की वजह से फिशेज बनने लगती हैं। तो ये दो एल्गल ब्लूम वाला दोनों ऑप्शन रॉन्ग है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन मैंग्रोव ट्रीज ग्रोइंग इन मार्सी प्लेस हैव न्यूमेटोफोर्स न्यूमेटोफोर हेल्प इन एनकोरेज। तो इसमें ऑप्शन नंबर है ना वो करेक्ट है, इसमें ऑप्शन नंबर ये असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ये न्यूमेटोफोर्स है, ये एनकोरेज नहीं रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, असर्शन इसमें ट्रू है, रीजन इसमें फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन ए जेनेटिस्ट क्रॉस्ड टू प्लांट्स ही गोट हाफ टाफ टाल एंड हाफ ड्वार्फ प्रोजेनीज। रीजन ई फॉलोज मेंडेलियन प्रिंसिपल एज वन ऑफ द प्लांट माइट बी हेटरोजाइगस। इसके अंदर आधे लंबे और आधे छोटे प्लांट्स बने हैं, तो इसमें क्यों बने हैं मेंडेलियन लॉ के अकॉर्डिंग इनमें से एक प्लांट हेटरोजाइगस था। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, इस ऑप्शन नंबर वन इसमें करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। ये क्यों बने आधे लंबे और आधे इसमें से, ये जो पेरेंट जो थे उनमें से एक हेटरोजाइगस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, असर्शन नाउ ए डेज एमिनोसेंटेसिस इज सेट स्टेटरी बैंड। इन दिनों एमिनोसेंटेसिस जो भ्रूण की एम्ब्रियो की जो डिटेक्शन होता है ना वो बैन है। क्यों बैन है वो? एमिनोसेंटेसिस गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एबनॉर्मेलिटी इन द फिटस एंड मैनी कॉम्प्लिकेशंस कैन आल्सो बी डिटेक्टेड फॉर द मदर टू कंसीव द बेबी। तो देखिए इसके अंदर असर्शन है ना ये तो ट्रू है, ये बैन है, लेकिन इसका रीजन है वो फोर्स दे रखा है, ये इन चीज़ों के लिए यूज में लिया जाता है, एबनॉर्मेलिटी होती है ना फिटस के लिए उसमें यूज होता है। बैन है ये, हम इसकी सेक्स की जो जांच कर लेते हैं कि ये उसका एम्ब्रियो फिटस का जो सेक्स है वो पता कर लेते हैं पहले कि ये लड़का है या लड़की, इसके लिए बैन है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बेसिलस थ्रू एंजेसिस इज इनकॉर्पोरेटेड इन प्लांट जीनोम टू इंक्रीज देयर यील्ड। बेसिलस जो थ्रू एंजेसिस होता है वो प्लांट जीनोम इंक्रीज कर प्लांट जीनोम होते हैं ना उसको इंक्रीज करता है। रीजन इट हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विच किल्स द लार्वा ऑफ इंसेक्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो बच्चों होगा ऑप्शन नंबर फोर, ये इनकॉर्पोरेट नहीं करती प्लांट जीनोम को इंक्रीज करने में, और ये
लार्वा को नहीं मारता, ये बोलवर्म को ही मार देता है, लार्वा की जरूरत नहीं होती, ये सीधे इंसेक्ट को ही मार देता है। तो दोनों ऑप्शन इसमें रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ग्लिसराइड्स आर न्यूट्रिएंट्स, ग्लिसराइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड व्हिच आर फर्दर अब्सॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन बाय द फॉर्मेशन ऑफ काइलोमाइक्रोन। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा रीजन, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ग्लिसराइड्स, और ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ये न्यूट्रिएंट्स, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वो नहीं बताया इसके अंदर, तो ये भी ट्रू है इसके अंदर और ये भी ट्रू है, दोनों असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, बट ये एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें असर्शन दे रखा है, ब्लड इन कॉकरोच इज कलरलेस विद इन नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेशन अकर थ्रो डिफ्यूजन इन हीमोलिम्फ। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता इसलिए ब्लड होता वो कलरलेस होता, ये ट्रू है। रेस्पिरेशन है ना वो डिफ्यूजन के द्वारा हीमोलिम्फ में होता है, ये रॉन्ग है इसके अंदर। तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ब्लड ग्रुप ओ हैज एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज, इट डज नॉट हैव एंटीजन्स। तो देखिए इसके अंदर एंटीबॉडी और एंटी एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज तो पाई जाती हैं ब्लड ग्रुप में, ये करेक्ट है। इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ये भी करेक्ट है। तो ये दोनों रीजन दोनों ट्रू हैं, तो ये एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज क्यों मिलती हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता इसलिए दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। तो दोनों ट्रू हैं और ये एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस ए नोड इंड्यूस्ड एक्सिटेटरी इम्पल्स वेन ब्लड इज प्योर बाई पल्मोनरी वेन्स इन लेफ्ट वेंट्रिकल। एस ए नोड है वो एक्सिटेटरी इम्पल्स है उसको इंड्यूस करता है जब ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स, जब ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर किया जाता है। रीजन एस ए नोड इज सेल्फ एक्सिटेटरी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दोनों के दोनों रॉन्ग हैं। ऐसे नोड होता है वो एक सिंगल वेन के ऊपर काम नहीं करता, ये हार्ट के पूरे के पंप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई रेस्ट ऑन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हैविंग हेयर सेल्स एम्बेडेड इन इट, हेल्प टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। तो देखिए ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग होने की वजह से ऑप्शन नंबर फोर इसमें ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है इसमें, कॉर्पस ल्यूटियम आर द सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। कॉर्पस ल्यूटियम ऐसी सेल्स होती हैं जो ओव्यूलेशन के बाद में ग्राफियन फॉलिकल से बनती हैं। रीजन इट सीक्रेट्स एस्ट्रोजन विच इज नेसेसरी टू मेंटेन प्रेगनेंसी, ये एस्ट्रोजन को सीक्रेट करती हैं। तो ये तो ट्रू है, इसमें कॉर्पस ल्यूटियम सेल्स होती हैं जो ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन होने के बाद में बचती है, वो कॉर्पस ल्यूटियम होती है, लेकिन ये एस्ट्रोजन सिक्रेट नहीं करती, ये प्रोजेस्ट्रोन सिक्रेट करती है जो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी। तो ये तो इसमें ट्रू है, ये रॉन्ग है ऑप्शन। असर्शन ट्रू है, रीजन इसमें रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोरोजोइट्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट एंटर इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू बाइटिंग ऑफ फ्रेसी बोर्न फीमेल एनिफिलीज मॉस्किटो वूज मदर वाज ए कैरियर ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया का जो पैरासाइट है जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो फ्रेसी बोर्न जो फीमेल होती है ना प्लीज वो उसको बाइट करती है, तो उसकी जो मदर होती है वो कैरियर होती है मलेरियल पैरासाइट की। रीजन मेल एंड फीमेल गेमिटोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो जो मेल और फीमेल जो गेमिटोसाइट, तो देखो इसके अंदर फीमेल जो एनाफिलीज होती है ना वो होती है इसके अंदर वेक्टर होती है मलेरिया के लिए, तो इसमें ट्रू ये सॉरी ये रॉन्ग है, और फीमेल गेमिटोसाइट हैं वो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर नहीं बनते हैं, वो एनाफिलीज इंटेस्टाइन के अंदर बनते हैं, ये भी रॉन्ग है। तो दोनों ऑप्शन रॉन्ग होने की वजह से ऑप्शन नंबर फोर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये थी बच्चों आज की क्लास जिसमें हमने एम्स 2011 का कंप्लीट बायोलॉजी पेपर सोल्व किया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करें, और
जो नए बच्चे हैं वो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने ग्रुप में क्लासेस को शेयर भी करें। थैंक यू।